गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जो है वन का मैथ चैप्टर जो है आगे का चैप्टर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वन चैप्टर में जो है हमने काउंट एंड राइट को बताया था, गिन के लिखना है, पिक्चर को गिन के लिखना। उसके आगे जो है आपको जो है वह ऐड पर जो है जो जोर पर आधारित जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन है वन हेलीकॉप्टर वाज ऑन द ग्राउंड। एक जो है हेलीकॉप्टर जो है वह जमीन पर था। वन मोर हेलीकॉप्टर केम डाउन और एक जो है और नीचे गिरा। हाउ मेनी हेलीकॉप्टर आर देयर ऑन द ग्राउंड। तो अब जो है जमीन पर जो है कितने हेलीकॉप्टर हो गए कुल। तो इसको बनाएंगे, पहले वन हेलीकॉप्टर था तो हो जाएगा ग्राउंड वाज वन हेलीकॉप्टर। वन मोर केम डाउन वन टोटल हेलीकॉप्टर। वन प्लस वन टू हेलीकॉप्टर जो है वन टोटल हो जाएगा हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर गेव वन ड्रेस टू लता। माँ ने लता को एक ड्रेस जो है दी। फादर गेव पिताजी ने हर उसको टू ड्रेस दे, यानी उसके पिताजी ने लता को दो ड्रेस दी दिए। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड लता गेट। तो लता को उसके पास जो है कितने लता कितने ड्रेस पाई। पहले मदर गेव थ्री ड्रेसेज है। वन जो है उसकी माँ दी और दो ड्रेस जो है उसके पिताजी दिए, दोनों मिलाकर कुल जो है और थ्री ड्रेसेज जो है उसके पास। जैक है थ्री ट्वाइज कार्स। जैक के पास जो है वह तीन कार था है। ही हैज वन ट्वाइज एरोप्लेन। खिलौने वाला जो है कार जो है वह उसके पास थ्री था थ्री है और एक और जो है एरोप्लेन हवाई जहाज वाला खिलौना जो है उसके पास एक है। तो हाउ मेनी टॉयज डज ही हैव। तो उसके पास कुछ कुल जो है कितने खिलौने हो गए। तो जैक हैज टॉय कार्स इक्वल टू थ्री। He has twice aeroplanes equal to one total twice equal to three plus one four twice. Question number four. Three apples were lying on the ground. तीन सेब जो है जमीन पर गिरा था। टू मोर एप्पल्स फेल डाउन और दो और जो है एप्पल्स जो है सेब जो है वो जमीन पर गिरता है। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर ऑन द ग्राउंड। तो अब जो है जमीन पर जो है कितने एप्पल्स गिरा हुआ है। साथ में देखिए
एप्पल और टू मोर एप्पल एल्बम इक्वल टू टोटल एप्पल इक्वल टू 3 + 2 = 5 एप्पल्स थ्री एप्पल्स वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड तीन सेब जमीन पर गिरा था टू मोर मतलब दो से उससे दो ज्यादा जो है फिर गिरा हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर ऑन द ग्राउंड तो अब जमीन पर कितने सेब जो है हो गए नंबर ऑफ लाइंग एप्पल्स ऑन द ग्राउंड इक्वल टू 3 एप्पल्स जो जमीन पर गिरा था पहले से टू मोर एप्पल्स फेल डाउन दो और जो है सेब इस पर गिरता है तो टोटल एप्पल्स कितना होता है 3 और 2 = 5 एप्पल्स जो है अब हुआ क्वेश्चन नंबर 5 है राजेश हैज सेवन टॉफीज राजेश के पास 7 टॉफी था टॉफी है एंड राकेश हैज 9 टॉफी और राकेश के पास 9 टॉफियां है हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव ऑल टुगेदर तो दोनों मिलाकर जो है वो कितने टॉफी हो गए राजेश के पास है 7 और राकेश के पास है 9 दोनों मिलाकर कितने टॉफी होते हैं राजेश has टॉफी 7 राकेश has टॉफी 9 टोटल टॉफी इक्वल टू 16 7 और 9 जो है 16 होता है राजेश हैज 7 टॉफी राजेश के पास 7 टॉफियां हैं और राकेश के पास 9 टॉफियां हैं कुल मिलाकर जो है वह कितने टॉफी होते हैं हाउ मेनी टॉफी डू दे हैव ऑल टुगेदर दोनों मिलाकर कितने टॉफी राजेश के पास 7 है राकेश के पास जो है 9 है टोटल टॉफी जो है वह 7 और 9 को ऐड करेंगे 16 होता है 16 टॉफी जो है दोनों मिलाकर इससे आगे जो है क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो है 6 है मिस्टर राव हैज 6 सन्स एंड 5 डॉटर्स मिस्टर राव के पास जो है 5-6 जो है बेटे हैं और 5 जो है बेटियां हाउ मेनी चिल्ड्रन डज मिस्टर राव हैव तो मिस्टर राव के पास कितने चिल्ड्रन हो गए यानी दोनों उनके पास मिस्टर राव हैज सन्स 6 सन्स ही हैज डॉटर्स उनके पास जो है बेटियां है 5 डॉटर्स टोटल चिल्ड्रेन कितने बच्चे कुल हैं उनके पास 6 और 5 11 चिल्ड्रेन जो है उनके पास मिस्टर राव के पास तो क्वेश्चन है मिस्टर राव है 6 sons and 5 daughters मिस्टर राव के पास 6 बेटे और 5 बेटियां हैं हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज मिस्टर राव है तो मिस्टर राव के पास कितने बच्चे थे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रेखा इस 2 बिस्कुट्स इन द मॉर्निंग रेखा जो है वह सुबह में 2 बिस्कुट खाती है एंड 2 बिस्कुट्स इन द इवनिंग और 2 बिस्कुट जो है वह शाम में खाती है तो हाउ मेनी बिस्कुट डज सी ईट इन ए डे तो कितने जो है बिस्कुट पूरे दिन में वह खाती है इन द मॉर्निंग इट्स बिस्कुट्स
Rekha eats biscuits in the morning too. Two biscuits jo hai khati hai subah mein. She eats biscuits in the evening. दो जो है बिस्कुट जो है वह खाती है शाम में. तो टोटल हाउ मेनी बिस्कुट डज सी इट इन ए डे. टोटल नंबर ऑफ बिस्कुट्स इन द इन ए डे टू और टू फोर जो है फोर बिस्कुट जो है वह पूरे दिन में खाती है. एक दिन में वह दो और दो चार जो है बिस्कुट वह खाती है. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है श्रीकांत हैज सेवन मार्बल्स एंड हिज सिस्टर मधु हैज एट मार्बल्स. श्रीकांत के पास जो है वह सात मार्बल्स है संगमरमर है और उसके बहन मधु के पास जो है एट जो है आठ मार्बल्स है. हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर. दोनों में के पास जो है कुल मिलाकर कितने मार्बल्स हैं. श्रीकांत हैज मार्बल्स सेवन. हर सिस्टर मधु हैज मार्बल्स. उसके बहन मधु के पास एट मार्बल्स है. टोटल मार्बल्स सेवन जो है मार्बल्स जो है श्रीकांत के पास है और उसके बाद मधु के पास जो है वो एट मार्बल्स है. कुल मिलाकर टोटल मार्बल्स जो है दोनों मिलाकर वह 15 हो जाएगा. सेवन प्लस एट 15 मार्बल्स दोनों मिला के उसके पास. इस तरह से यह चैप्टर जो है आप लोगों को जोर पर आधारित जो भी वर्ड प्रॉब्लम था वह समाप्त हो चुका है. इसके बाद अगले दिन अगले क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्ट के बारे में